मुझे सॉफ्ट फील हो रहे हैं, मेरे बाल बहुत सॉफ्ट दिख रहे हैं। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ सॉफ्ट या मुलायम ऐसा फील नहीं हो रहा है। गुड मॉर्निंग माय सम लोमीज, तो इट्स करंटली 11 और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। आई नो कि इट्स लेट, बट मेरी सुबह भी लेट हुई थी इसीलिए अभी तक नहाई नहीं हूँ। और आज संडे है इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि आज हेयर मास्क और फेस मास्क लगा लेते हैं। ओके, और अभी मेरे फेस पे कुछ नहीं है, जस्ट फेस धोया है। ओके, सो मैं कौन सा फेस मास्क और हेयर मास्क लगाती हूँ वो अगर आपको दिखना है तो ये व्लॉग एंड तक देखते रहना। सो गाइस, चलो अभी हम हेयर मास्क बना लेते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे दही ले रही हूँ और थोड़ा हनी। तो चलो गाइस, ये मास्क मैं अपने हेयर पर लगाऊंगी। तो गाइस, पहले हम अपने हेयर को मिडल पार्टिंग करेंगे। और अभी हम एक साइड ऐसे टाइ करके रखेंगे। और हेयर मास्क लगाने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि हमारे हेयर पर एक भी टैंगल नहीं होना चाहिए। मैं पहले अपने हेयर का पार्टीशन करूंगी। इन बालों को मैं पहले मास्क लगाऊंगी। मास्क लगाने के बाद मिलती हूँ। दोस्तों, मैंने अपने पूरे बालों पर हेयर मास्क लगाया है, तो अभी हमें 20 मिनट्स तक इस मास्क को हमारे हेयर पर रखना है, तो उस दौरान हम फेस मास्क लगाएंगे। दोस्तों, फेस मास्क के लिए मैंने जस्ट थोड़ा दही लिया है। तो अभी हम दही अप्लाई करेंगे। अभी मैं नहा के आई हूँ और अभी से ही मेरे बाल मुझे सॉफ्ट फील हो रहे हैं। मैं नेचुरल ड्राई होने देती हूँ, मैं ड्रायर वायर से कुछ सुखाती नहीं हूँ। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो तो सुखाने पड़ते ही है। सो मैं ड्राई होने के बाद आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। तो गाइस, अभी मेरे बाल एकदम से ड्राई हो गए हैं और आप लोग देख सकते हो कि मेरे बाल बहुत सॉफ्ट दिख रहे हैं और टेंगल फ्री भी है। सो आई एम लविंग दिस। तो
रही बात फेस पैक की, तो मुझे मेरा फेस बहुत हाइड्रेटेड और स्ट्रेस फ्री महसूस हो रहा है, पर ऐसा कुछ सॉफ्ट या मुलायम ऐसा फील नहीं हो रहा है। पर आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो और स्ट्रेस फ्री भी हो, तो आप योगर्ट ज़रूर लगा सकते हैं। और हाँ, योगर्ट के बेनिफिट का वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखना। और एक बात, आपको कौन से व्लॉग्स देखना पसंद आएंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करना। तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेके मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, शुक्रिया।